सब्जियों के दाम 200% तक बढ़े। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मोदी सरकार इतनी भी सक्षम ना हो या समझ पाए कि ईंधन की कीमतों का प्रभाव हर चीज पर और हर आदमी पर पड़ता है। पिछले कुछ दिनों से जहां दिल्ली में पेट्रोल और डीजल में 13% और 16% की वृद्धि हुई, वहीं सब्जियों की कीमतों में 200% तक की वृद्धि देखी गई। आप खुद जून और जुलाई के महीने में सब्जियों की कीमतों में हुई वृद्धि देख सकते हैं। टमाटर जून में 20-30 रुपए किलो बिक रहा था, जुलाई में 80 रुपए के करीब है। पत्ता गोभी 30-40 रुपए किलो थी, आज 60-80 रुपए किलो है। खीरा 20 रुपए किलो से 50 हो गया है। शिमला मिर्च और बैंगन के दाम में भी 20-20 रुपए किलो का उछाल हुआ है। लगभग सभी सब्जियां आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। मध्यम वर्ग, गरीब अगर कोरोना वायरस अनप्लान्ड लॉकडाउन से बच भी गया तो सरकार की विफल नीतियों से मारा जा रहा है।